क्या आप लोगों में भी है टैलेंट रैप करने का, गाने गाने का? अरे मेरे अंदर तो कूट कूट के बड़ा है ये वाला टैलेंट। एक सेकंड, जो तू गाने गाता है ना, असलत में गाने होते नहीं है, ठीक है ना? हाँ, वो शायरी होती है, वो भी खतरनाक वाली, जिन्हें हम गाने के अंदर कन्वर्ट कर दे तो वो रैप हो जाता है। इसका मतलब मैं गाता तो अच्छा ही हूँ, इसका मतलब मैं हूँ एक रूपर। अबे रूपर नहीं, वो रैपर होता है। अरे रैपर हो या रूपर, पर हम है सबसे ऊपर। एक सेकंड गाइस, देखना यार, ये तो रैप मारने भी लग गया। नहीं तो ठीक, इसी तरीके का टैलेंट तो हमें चाहिए। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं पूरे के पूरे 10,000 करोड़ रुपए, तो आइए MTV हसल लॉस सैंटोस में। एक सेकंड गाइस, ये तो खतरनाक ही सीन हो रहा है। क्या कहता है यार शिनचैन, जिता सकता है क्या तू हमें? अरे हमेशा की तरह जिता सकता हूँ, गाने बनाना तो मैंने आपसे ही सीखा है आखिर। खैर ये हुई ना बात, तो फिर आ जा, तो फिर चलते हैं गाइस जल्दी से यहाँ से। अरे वैसे लोगों को भी मेरे गाने बहुत पसंद आते हैं, है ना गाइस? जल्दी से बता दो कमेंट करके, और अगर मेरे गाने पसंद आते हैं तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, गाइस तो मैं आगे लगा दूंगी एकदम। हाँ गाइस बिल्कुल सही कह रहा है आशिन चैन, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस, ऐसे खतरनाक गाने रोज सुनने के लिए। हाँ गाइस बिल्कुल सही बोला, अभी एक काम करते जल्दी से गाइस, चलते हैं यहाँ से, अपनी कार में बैठता हूँ। खैर गाइस जल्दी से बैठ जाओ अपनी कार के अंदर। अरे एक सेकंड, नीचे कर रखा है। अरे भूल गया क्या शिनचैन, कलर चेंजिंग वाली कार ही तो है यार ये। अरे अच्छा वही कार है क्या? इसमें एंट्री मारेंगे शो के अंदर तब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ गाइस पता नहीं तो वो शो कैसा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे वो शो मीठा होगा। एक सेकंड, शो मीठा कैसे हो सकता है, तो कुछ भी मत बोला कर, ठीक है? खैर गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम कॉम्पिटिशन जीत गए तो फिर कितने सारे पैसे आ जाएंगे हमारे पास। अरे हर समय पैसे के बारे में सोचते रहते हो हानी, तो एक काम करो पैसे खा लिया करो थोड़े से नाश्ते में। एक सेकंड, तो ना पागल वागल तो नहीं ना यार शिनचैन, तेरे को पता है अगर ज्यादा पैसे होंगे हमारे पास तो हम चौको भी ढेर सारे खा सकते हैं। केवल चौको भी नहीं यार, कार्स भी ढेर सारी ला सकते हैं। मतलब तू सोच रहा है ना, इसलिए मैं ज्यादा पैसे के बारे में सोचता हूँ ताकि मैं कहीं से भी पैसे कमा सकूं। और लॉस सैंटोस जैसी जगह में तो तू यार जानता ही है, यहाँ तो किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हो गाइस, कोई क्राइम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब। अरे वही तो, यहाँ घोस्ट कम्युनिटी का भी तो राज चलता है कभी कभार। अरे घोस्ट कम्युनिटी वालों की तो बात मत कर यार, देख शिनचैन आज अगर वो लोग कॉम्पिटिशन में आ गए ना तो पता नहीं क्या ही होगा। अरे पेनीवाइज की तो चड्डी उतार दूंगा मैं एकदम, ऐसे रैप करूंगा उसके आगे। हाँ यार शिनचैन गाइस, आज तो यार शिनचैन आग लगाने वाला है बिल्कुल ही। आप एक काम करो गाइस, कमेंट्स में लिख दो शिनचैन ओपी, और साथ में मैक्स ओपी भी लिख दो गाइस। हाँ गाइस जल्दी से अभी के अभी लिख दो। और गाइस अगर इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स हो गए तो फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी निकालेंगे। हाँ गाइस बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने गाइस, देखते हैं कि आज क्या ही होता है, खतरनाक रैप बैटल्स होने वाले गाइस आज। जल्दी से पहुंच जाते हैं हम बस हसल वालों के ऑफिस में। अरे मैक्स भाई, वैसे आपने कभी चींटी की आवाज सुनी है क्या? एक सेकंड, चींटी की भी कोई आवाज होती है क्या? कैसी बात कर रहा है यार? अरे होती है ना, एक दिन मेरे को एक चींटी दिखी, मैंने उसे जोर से चप्पल मारी, इसके बाद पर जोर से आवाज आई पट करके। अबे पागल, चप्पल की आवाज थी चींटी की नहीं? अरे मैं कैसे मान लूं, मेरे को तो दोनों आवाजें मिक्स होके आई। क्या यार, तू एक काम कर अपना मुंह बंद रख ले, कुछ भी बकवास मत किया कर तू। हां नहीं तो इस बात पे तो आपके पिछवाड़े पे एक चींटी को काटना चाहिए। मेरे पिछवाड़े पे पता नहीं चींटी काटेगी कि नहीं, लेकिन तेरे पिछवाड़े पे भी लात जरूर मार दूंगा मैं। अरे अरे ठीक है, गुस्सा मत करो अब। खैर गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी जगह पर, इधर पे कार पार्क कर देता हूं जल्दी से। चला आजा शिनचैन अंदर चले ऑडिशन देने। अरे चलते हैं। खैर गाइस पता नहीं क्यों ना कि घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या ही होगा अंदर जाके। अरे वो तो मेरे को भी हो रखी है बहुत जोर से, इतनी जोर से कि मेरे को तो टट्टी का भी प्रेशर बन गया। अबे तो फिर घर से टॉयलेट करके आना चाहिए था ना तेरे को, अब यहाँ क्यों बता रहा है? अरे कहीं ऐसा ना हो रैप में, कहीं मैं जोर से चिल्ला रहा हूँ और मेरी बात छूट जाए और फिर आप सभी लोग बेहोश हो जाओ। तू ना एक काम कर, एक काम करते हैं, यहाँ कहीं अंदर टॉयलेट होगा तो मैं तेरे को सबसे पहले टॉयलेट लेके जाता हूँ, क्योंकि तेरी बात बहुत ही बड़ा खतरा है हम लोगों के लिए। अरे रहने दो, मैं पूरे के पूरे 20,000 घंटों तक अपनी पात को कंट्रोल कर सकता हूँ, आप में है इतना दम? नहीं भाई मेरे को ऐसे दम का कुछ नहीं करना, तू ही रख ऐसा दम अपने पास। और गाइस अभी भीड़ एकदम कम सी दिख रही है पता नहीं क्यों। अरे वही तो, चले काम करते हैं, बर्गर खा लेते हैं तब तक। हाँ जल्दी से बर्गर खाते हैं, थोड़ी सी भूख मिटेगी तो फिर सही रहेगा एकदम। A few inches later. अरे तुम्हें पेट भर गया आज तो। हाँ यार शिनचैन, अब गाइस गाना गाने में थोड़ा कॉम्पिटिशन कह रहा हूँ गाइस, मैं यार शिनचैन के साथ रह करके यार दिमाग खराब होने लग गया मेरा भी, मतलब अब गाना गाने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर क्योंकि भूख मिट चुकी है हमारी। अब एक काम करते हैं अंदर चलते हैं। और एक सेकंड, इतने सारे भीड़ आ गई एकदम से, अबे यार ये क्या सीन है। अरे मैक्स भाई आपकी तो किस्मत ही खराब है। अरे मेरी क्या किस्मत खराब है, तेरी भी तो किस्मत खराब है। मेरी इसलिए खराब है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। एक सेकंड, ये सारी चीज का ब्लेम मेरे पे डाल दिया ना।
अरे आप ही ने बोला था बर्गर खाने के लिए। क्या यार वो सारी बात है। अरे एक सेकंड। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों खुश हो गया अचानक से? अरे शिनचान वो देख सामने। अरे ये तो पप्पू अंकल हैं। वही तो कह रहा हूँ। और पप्पू भाई क्या हाल चाल? अरे मैक्स तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ ऑडिशन देने आया था। एक सेकंड, कुछ स्पेशल लोगों के लिए हमने अलग से जगह करी है, काम करो तुम अंदर जाओ। अरे अंदर चला जाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है अंदर चला जाता हूँ। खैर गाइस यहाँ पर तो जान पहचान निकल गई, मजा ही आ गया एकदम। जीतेंगे तो हम ही। दम भी है तुम में। एक सेकंड गाइस, जानी पहचानी से आवाज़ें क्यों आ रही है? अरे कहीं वो लोग पहुँच तो नहीं गए? मेरे को भी वही। एक सेकंड गाइस, ये क्या सीन है? अवेंजर्स के साथ साथ घोस्ट कम्युनिटी भी है यहाँ पर। अरे ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग वाली बात हो गई, ये लोग क्यों आ गए यहाँ पर? अब तो इन्हें भी डिस करना पड़ सकता है। अरे वही तो। क्या मैं क्या ही बोलूंगा गाइस, अब यहाँ पर तो सीन हो गया एकदम ही। इतने सारे लोग आ गए, सारे के सारे रैप करने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, हमने सोचा कितने पैसे मिल ही रहे हैं तो। अरे यार मैं तुमसे मेरे को उम्मीद नहीं थी यार। अरे यार तुम लोगों की वजह से भी पिछली बार इतना खर्चा हो गया यार मेरा, ऐसी तैसी हो गई बिल्कुल। इतने सारे चैलेंजेस करा तुम लोगों से, सारे के सारे पैसे लूट गए। अब मुझे पैसे चाहिए बस, और वो मैं कहीं से भी ला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। अच्छा ठीक है मान गए, चलो ठीक है। तो फिर अंदर चले क्या? अरे अंदर आ जाओ भाई, किसकी बारी अगली? एक सेकंड गाइस, अंदर चल के देखते हैं। बुलाए किस लिए इन लोगों ने? एक सेकंड, ये तो जजेस है। अरे आ गए तुम, और बताओ क्या हाल, आग लगा दोगे ना आग? अरे हां जी सर बिल्कुल लगा देंगे। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब जजेस है हमारे। अरे हाँ ये तो अनु पालक है ना? हाँ शिनचान, ये अनु पालक नहीं, वो अनु मलिक होता है। और ये अनु मलिक के भाई अनु मलिंग है। अरे अनु मलिंग क्या होता है ये? अरे होता होगा यार कुछ, मेरे को नहीं पता, बस यही नाम है। और गाइस डीजे लोग को तो कौन नहीं जानता। और कैसे हो मैक्स? अरे मैं तो बढ़िया हूँ यार, और आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या ये हुई ना बात? और ये कौन है अजीब सी शक्ल वाली आंटी? क्या बोला तुमने? अरे अजीब सी शक्ल वाली आंटी। खैर गाइस इसने किसी को पहली बार आंटी बोला है। खैर छोड़ो, कितना क्यूट बच्चा है, इसलिए कुछ नहीं कह रही मैं, वरना ऐसी तैसी कर देती अभी। अरे ठीक है। खैर शिनचान तू पागल वाली हरकतें मत कर, उनको इम्प्रेस कर बल्कि उनकी तारीफ कर। अरे ऐसा भी करना होता है क्या? और नहीं तो क्या, फिर जीतेगा कैसे शो को? अच्छा ठीक है अभी कर देता हूँ। अरे मैंने आपको थोड़ी बोला आंटी, मैंने तो आपको दीदी बोलना चाहा था। आंटी तो मैं डीजे लोग को कह रहा था। क्या बोल रहे हो शिनचान ये तू? अरे सही कह रहा हूँ मैं। अरे नाइस जोक नाइस जोक। अरे वैसे ये सब छोड़ो, एक बात तो बताओ, आप सब में से बढ़िया कौन है सबसे ज्यादा? हम सारे ही बढ़िया हैं। नहीं मैं बढ़िया हूँ, मैं क्योंकि मैं आग लगा देता हूँ आग। तुम्हारी उस आग के ऊपर फिर पानी डाल करके उसका लावा मैं ही तो बनाता हूँ। अरे रहने दो, तुम सबसे बेस्ट खाती हूँ मैं। रहने दो ज्यादा फालतू बकवास मत करो। अरे तू बकवास कर रहा है ठीक है, तुम दो नहीं बकवास कर रही हो। अरे एक साइकिल लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे हाँ यार हम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हाँ मैं भी वही सोच रही थी। हम तो जज है ना, हम सबसे बेहतर है। वही तो मैं कह रहा हूँ। खैर इससे एक बहुत खतरनाक आइडिया है मुझे। कैसा आइडिया? क्यों ना जल्दी जल्दी ऑडिशन ले। एक काम करे, डायरेक्ट विनर चूज कर ले। एक काम करेंगे, तीन लोगों का कॉम्पिटिशन कराएंगे, मतलब कि तीन लोग आपस में रैप बैटल करेंगे। उनमें से जिसके भी शब्दों में जान हो, यानी कि जो भी कम शब्दों में ज्यादा बेइज्जती कर पाएगा वो जीत जाएगा इस शो, और वो अगले राउंड के लिए भी प्रमोट हो जाएगा। और टोटल तीन राउंड ही रखते हैं हम। अरे वाह क्या आइडिया दिया, एकदम आग लगा दी आग। अरे इतनी ज्यादा आग लगाते रहते हो, पिछवाड़ा तो जल ही गया होगा तुम्हारा। क्या बोला तुमने? एक सेकंड इसके बाद तुम्हें ध्यान मत दो शिनचान, तू फिर से वही मत कर दे। एक काम करते हैं, अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को करना क्या है, डायरेक्ट रैप गाना शुरू करना है क्या? मैं तो गा भी पाऊंगा गाइस अभी। अरे नहीं 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 नहीं, एक काम करो, रैप तो रहने दो तुम, एक काम करो तुम होस्ट बन जाओ हमारे शो के। एक सेकंड, मैं होस्ट बन जाऊँ क्या? हाँ जी बिल्कुल। इतनी तगड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है मैक्स, मिस मत करो इसे, क्योंकि अगर शिनचान जीत जाता तब भी तुम्हें वो पैसा आएगा सारा। अरे ये बात तो बिल्कुल सही बोली। हाँ और तुम्हारी आवाज भी अच्छी रहेगी होस्ट के लिए, काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो ना। बिल्कुल वही तो। हाँ ठीक है, तो गाइस अब हम इस शो के होस्ट बन गए। यहाँ पर मैं तो ऑडिशन देने आया था, पर यहाँ तो उल्टा ही सीन हो गया। खैर कोई नहीं गाइस, किसी दिन हम भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। बिल्कुल होस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये हुई ना बात। खैर गाइस अभी मैं क्या करना है मेरे को ये बताओ। बाहर से सभी को अंदर बुला लो, सभी के बीच में एक साथ कंपटीशन होगा लाइन से। एक मिनट, ये सीन होने वाला है क्या? बिल्कुल यही सीन होने वाला है। ठीक है बोल देता हूँ मैं उन्हें। अरे सब अंदर आ जाओ। अरे दिमाग में थोड़े से कीड़े घुस गए क्या? सब अंदर थोड़ी आएंगे, जिसकी बारी है वो अंदर जाएगा। अरे सबको अंदर बुला यार, एक साथ आनी तो पागल मत समझा करो मेरे को, जल्दी चलो। आ रहे हैं। ठीक है आ जाओ। हेलो जजेस। अरे पड़े आए अंग्रेज बनने वाले, नमस्ते नहीं बोल सकते क्या? नमस्ते जजेस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे सबको नमस्ते और हेलो भी सब। अरे आप नमस्ते करो, आपको हेलो करने की कोई जरूरत नहीं है इसके चक्कर में आके, इससे डरो मत, फालतू का भूत है बस। तुम हो गए फालतू के भूत। अरे यार
यार लड़ाई मत करो। देखो मैं शो का होस्ट होने के नाते बात बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, यहाँ पर भी रैप बैटल होने वाली है, तो सबसे पहले कौन आएगा? एक सेकंड, रैप बैटल हो रही है क्या? हाँ मतलब कि तीन तीन लोगों में, नॉर्मली तो दो लोगों में होती है, पर यहाँ तीन लोगों में होगी। हाँ बिल्कुल सही बोला। पहले कौन जाने वाला है? मैं जाता हूँ पहले, देखो कैसे सबकी ऐसी तैसी करूंगा। ठीक है तो गाइस, क्या आप सभी लोग तैयार हो? यहाँ पर सबसे पहले पेनीवाइज आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मैं चला जाता हूँ। अगर पहले पेनीवाइज ही जा रहा तो मुझे ही पहले जाना चाहिए। हाँ यार आयरन मैन बिल्कुल सही बोला। वैसे एक बात तो बताओ यार। क्या बताओ यार कैप्टन अमेरिका? ये रैप बैटल के अंदर मतलब हम कुछ भी बोल सकते किसी को, कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो ये हुई बात, इस बात पे तो मैं भी रैप बैटल में आऊंगा अभी। अरे ठीक है तो गाइस पहले के तीन लोग सेलेक्ट हो गए यहाँ पर, पेनीवाइज, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के साथ कुछ उल्टा सीधा सीन करने वाला है, पता नहीं क्या ही होगा। अरे तुम टेंशन मत लो, इस बुड्ढे को तो मैं देख लूंगा। क्या बोला तुमने? अरे तुम टेंशन मत लो आयरन मैन, मैं तुम्हारी साइड ही हूं। अरे थैंक यू शिनचैन। खैर गाइस यहाँ पर अब रैप बैटल स्टार्ट होगी। खैर अब हमें गाइस स्टेज से हट जाना चाहिए। अरे बच्चा डॉगी बहुत क्यूट है, मैं तो कह रही हूँ कि इनको रहने दो स्टेज पे। अरे हम आ सकते हैं क्या बीच बीच में? बिल्कुल आ सकते हो। अरे वाह, ये हुई ना बात दीदी, आपको दीदी बोलने के तो बहुत ज्यादा फायदे है। हाँ, बस दीदी बोला करो मुझे। खैर पेनीवाइज द ग्रेट। एक मिनट, क्या पेनीवाइज द क्या? पेनीवाइज द ग्रेट, मेरे को सुना दिया पेनीवाइज द ग्रेट, जो मरने के बाद ग्रेट बन जाते हैं। अरे भाई साहब शिनचैन सही कह रहा है तू, ये क्रेट ही है जो लोगों की बन नहीं जाती थी पबजी में मरने के बाद। ज्यादा मत बोलो फालतू। खैर यहाँ पर गाइस अब हमारे पेनीवाइज, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका करने वाले हैं रैप बैटल। देखते हैं कि क्या ही होता है सीन। अरे पेनीवाइज तो मतलब तुम एक भूत हो। बिल्कुल सही बोला, ये भूतिया एक। बेचारा ये तो मर गया। अरे इस पे रोने की क्या जरूरत अब तुम्हें? मेरे को रोना आ जाता है बस। खैर खैर मैं शुरू करूँ क्या जजेस? आप भी मेरी कला को देख करके एकदम ही चौंक जाओगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल शुरू कीजिए। ठीक है तो फिर आजा मैं तुझे को मजा चखा दूं, दिन में ही दारों से बातें करा दूं, मैं वो हूँ जो सबको औकाते दिखा दूं, तुम सबको मैं एक पान में सुला दूं। एक बात में सुना दूंगा, क्यों बोल रहा है शिनचैन? मत हुआ कर यार इतना तू बेचैन, बातें बोलने से पहले कर ले उनको स्कैन, तेरी वजह से हम होंगे GTA में बैन। बैन की तो बात तुम करो मत टोनी, तुम्हारी सारी बातें ही अजीब होती, तुमको भारी पड़ेगी ये चुनौती, कैप्टन अमेरिका की छड्डी है छोटी। शिनचैन यार बीच में बोल रहा है तू, लेकिन यार तूने कमाल करा फिर भी, डीजे लोग को पसंद आया काफी लगता है। क्या ही खतरनाक है तुम सीनों ने। अरे देखो यार एकदम ही मजा। अरे सच में मैं तो खड़ी ही होगी देखो सीट से। अरे सच में आग लगा दी भाई, आग लगा दी बिल्कुल, ये हुई ना बात, क्या ही कहा है एकदम कमाल। अरे वो सारी बातें छोड़ो, उस बच्चे को देखो 5 साल के शिनचैन नोहारा को, बीच में केवल 2 लाइनें बोली उसने। हाँ दोनों बार इतनी गंदी बेइज्जती मार दी यार, मजा ही आ गया एकदम। अरे हूं ना मैं कमाल का बेइज्जती मारने में? बेइज्जती मारने में ही नहीं, तुमने मतलब अलग ही लेवल से करा है सब कुछ। एक काम करो अगले राउंड में तुम भी आओगे। और हम तीनों में से कौन आएगा? तीनों ने बराबरी की टक्कर दी है यार, ऐसे में बता नहीं सकता कि कौन आएगा, इसलिए तुम तीनों को ही होल्ड पे रखते हो, अभी पीछे जाओ। या फिर कह सकते हैं शायद तुमसे भी खतरनाक लोग आए होंगे यहाँ। ये लोग और मुझसे खतरनाक, खैर छोड़ो। अरे वाह मैक्स भाई, ये हुई ना बात। हाँ यार शिनचैन अब अगले राउंड में तू आए रहेगा हमारे मतलब सामने आएगा रैप करने, देखते कि तू क्या ही करता है इस बार। देखते जाओ और अगले राउंड में कौन कौन होने वाला है और किसको आना है भाई? मैं आऊं क्या? एक सेकंड, हल्क तू आएगा क्या? और नहीं तो क्या? ठीक है तो फिर आजा। यार गाइस हल्क आने वाला है, और कौन कौन आएगा? मैं जो तू। हाँ तुम चले जाओ, इनकी ऐसी तैसी कर देना बिल्कुल। हाँ जल्दी आ जाओ, ऐसी तैसी करवानी अपनी। क्या बोला तुमने? देखना अब क्या ही करता हूँ मैं। खैर स्टार्ट करी क्या? खैर हम लोग कैसे मना कर सकते हैं? हाँ हाँ स्टार्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कितनी आग लगाते हो इस बार। अरे इतनी आग लगाएंगे कि पिछवाड़ा चल जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ देखते हैं। अरे ठीक है तो फिर स्टार्ट करो। करता हूँ। या हाँ सिलेंडर मैन ऑन द बीट, बीट पे रिपीट हीट है। या सिलेंडर मैन नाम है मेरा, जंगल में डराने का काम है मेरा, अब होना बहुत बुरा अंजाम है तेरा, अब सबके मुंह पे नाम सुबह शाम है मेरा। मैं हूँ शिनचैन नोहारा, जो कभी भी नहीं हारा, कोई दीदी मिल जाए तो बनू उनका मैं सहारा, सिलेंडर मैन बेचारा बात सुनेगा दोबारा, अब कोई बता नहीं पाएगा तुझको मेरे यारा। हल्क की बातें ग्रीन ग्रीन, हल्क की चड्डी ग्रीन ग्रीन, गुस्से में हल्क हो ग्रीन ग्रीन, अब जल्दी से उल्टी गिनती गिन गिन।
हाँ यार इस बार तो कमाल कर दिया यार शिनचैन तुमने। अरे थैंक यू, ये तो चलता ही है। हाँ बिल्कुल कमाल कर दिया मैंने। तुमने नहीं शिनचैन ने। अरे मैंने नहीं कहा क्या? अच्छा नहीं तुम्हारी तो बेइज्जती मार दी बल्कि उसने। हल्क का कैसा था? अरे हल्क तुम्हारा और शिनचैन का मिक्स होकर के बहुत ही खतरनाक बन गया था। क्या हुई ना बात? खैर अगले राउंड में हम शिनचैन को भी सुनेंगे यार फिर से। शिनचैन ने तो कमाल कर दिया सच में। हाँ यार सच में आग ही लगा दी यार शिनचैन ने तो। सच बोलता था शिनचैन। अरे मैं तो आग लगा ही देता हूँ, मेरी पास है ही इतनी जहरीली। अरे पास की बात नहीं कर रहा यार मैं। खैर गाइस ये सब देख करके तो लगता है कि हमारे जज सच में खुद ही खुश हो गए यार। इतना ज्यादा इनकी परफॉर्मेंस है, इनकी परफॉर्मेंस नहीं गाइस मैं बोलूंगा शिनचैन की परफॉर्मेंस है। मतलब कि कमाल ही कर दिया यार शिनचैन तूने। अरे मैं तो हूं ही कमाल का। हां यार ये हुई ना बात। खैर अब नेक्स्ट राउंड में कौन आएगा? मैं आऊंगा और कौन आएगा? अरे फटी पुंगी आने वाली है क्या? अरे खैर गाइस शिनचैन तो रहेगा ही नेक्स्ट राउंड में, विजय ने खुद बोला है। लेकिन यार ये साइलेंट हेड आने वाला है अभी नेक्स्ट राउंड में एवेंजर्स की साइड से। मैं आ जाता हूँ। एक सेकंड थॉर, तो मैं आता भी ये सब करना? बिल्कुल आता है, तुम देखो तो सही। अरे आ जाओ थॉर, मिलके ऐसी तैसी करेंगे इनकी। बिल्कुल सही बोला शिनचैन, आता हूँ। खैर तो स्टार्ट करेगा जजेस। अरे आग लगा दो शिनचैन इस बार भी। और शिनचैन देखते हैं कि शिनचैन क्या करता है इस बार। खैर कर दो स्टार्ट। ये शक्ल देख के पूंगी मत समझना, पहनते हैं जींस लूंगी मत समझना, असली में भूत है ढूंगी मत समझना, पावर्स भी बड़ी है छोटी मत समझना। सरन हट के नाम पे पुंगी हो तुम, फटी हुई सी एक लुंगी हो तुम, शक्ल के नाम पे दो पुंगी है लड़की, तुम्हारी शक्ल का से देखेंगे हम। दो पुंगी ही इसकी शक्ल है, तभी तो इसमें इतनी कम अकल है, करता ये बस हमारी नकल है, सारा नेट तो एक नंबर का पागल है। सही सही मैं हूँ बिल्कुल सही, ढूंढ मेरे जैसा तुम्हें कहीं, बाद मेरी आके सुंग अभी, तेरे जैसे बात मिले मुझे यूं ही। सही सही मैं हूँ बिल्कुल सही, ढूंढ मेरे जैसा तुम्हें कहीं, बाद मेरी आके सुंग अभी, भाई साहब सच में कमाल का है यार शिनचैन। एक सेकंड गाइस, डीजे लोग तो इतना ज्यादा ही खुश हो गया, मैं क्या ही बोलूं गाइस, वो तो साथ में ही गाने लग गया। खैर गाइस देखने में लग रहा है जिस काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं, ये तो टेबल पे ही चढ़ गए। अरे सच में आग लगा दी यार शिनचैन, मजा ही आ गया। हाँ यार शिनचैन तुम ही बनोगे हमारे अगले फसल के चैंपियन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। खैर विनर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं तुम लोगों, तुम्हें दिख ही रहा है पहले। एक सेकंड, इतना ज्यादा खतरनाक सीन कर दिया क्या शिनचैन ने? अरे ये क्या शिनचैन जीत गया? और नहीं तो क्या, लग तो यही रहा है देख के। अरे वाह शिनचैन, मजे ही आ गए तुम्हारे तो। अरे ये हुई ना बात। अरे भाई साहब शिनचैन यार सच में गाइस कमाल की गाने गाए आप लोग, कमेंट से बता रहे गाइस आपको इसके गाने कैसे लगे। अरे एकदम ही खतरनाक लगे होंगे मैं बता रहा हूँ। तो फिर जल्दी से इस बात पे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो इस वीडियो को। हाँ गाइस बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने। तो गाइस यहाँ पर तो हमारा विनर मिल चुका है हमें, हमारे एमटीवी हसल लॉस सैंटोस का। तो ये हुई ना बात। तो खैर गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तो चल यार शिनचैन अब तेरे को कुछ बोलना है लोगों से। हाँ गाइस आज मैं एम करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है हमेशा की तरह ऐसे ही पूरा करवा दूंगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कस सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस फिर हम फिर से मिलेंगे आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।